नमस्कार साथियों, सुर संपदा स्टूडियो एवं सुर संपदा सेवा ट्रस्ट की ओर से आप सभी संगीत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। हमने 25 अप्रैल 2021 को पार्श्व गायिका गीता दत्त के कार्यक्रम को पेश किया था। उस समय हमें काफ़ी संख्या में गीता दत्त के गीत प्राप्त हुए थे, लेकिन उस कार्यक्रम में सभी गीतों को शामिल नहीं किया जा सका था। आज सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका के गीतों पर पार्ट दो पेश किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि हर कलाकार में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, जहां एक ओर वे उनकी पहचान बनाने में सहायक होती हैं और दूसरी ओर उनकी अदायगी भी लोकप्रियता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत 1956 में आई फिल्म CID से करने जा रहे हैं। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, इस गीत को पेश कर रहे हैं अनिल ओबराय जी, जो कि बहुत ही अच्छा माउथ ऑर्गन बजाते हैं। आज का पहला गीत माउथ ऑर्गन पर। अनिल जी अपनी प्रतिभा की जानकारी समय समय पर अनेक कार्यक्रमों में देते रहे हैं और उन्होंने काफ़ी ख्याति भी प्राप्त की है। आइए सुनते हैं उनसे यह गीत आँखों ही आँखों में इशारा हो गया।
हमारा अगला गीत 1956 में आई फिल्म भाई भाई का है। तनु राय जी ने इसका संगीत दिया है। यह गीत गीता दत्त ने बड़ी ही चंचलता से गाया है, बड़ी ही खूबसूरती से गाया है, और यहाँ पर उतनी ही खूबसूरती से इस गीत को निभा रही हैं आरती जी, जो कई कार्यक्रमों में गीत गा चुकी हैं बहुत ही रोचक अंदाज में। आइए सुनते हैं उनसे यह गीत, ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। से एक नगमा कोई सुना गया है,
वर्ष 1962 में एक फिल्म आई थी साहब बीबी और गुलाम। इसमें अभिनय किया था गुरुदत्त एवं मीना कुमारी जी ने। दोनों के शानदार अभिनय से यह फिल्म काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। इसमें गीता दत्त जी के गाए गीत भी काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। उन्हीं गीतों में से एक गीत है पिया ऐसो जिया में समा गयो रे। इस गीत को यहाँ पेश करने जा रही हैं आमना बेगम जी। वे अपने गीतों को बहुत ही मधुरता से गाती हैं, साथ ही संगीत की शिक्षा भी प्रदान करती हैं। आइए सुनते हैं यह गीत पिया ऐसो जिया में समा गयो रे। मांग अपनी हरी रूप से आके तारण
1955 में एक फिल्म आई थी मिस्टर एंड मिसेज 55। इसमें अभिनेत्री मधुबाला थी, उन्होंने शानदार अभिनय किया था। गीता दत्त जी ने एक बहुत ही प्यारा गीत गाया था, ठंडी हवा काली घटा। यह गीत उनकी अदायगी का बहुत ही लोकप्रिय गीत है, इसे अक्सर कलाकार गाते हैं। इस गीत को पेश करने जा रही हैं सुषमा जी, जो अपने बैनर तले अनेक कार्यक्रम आयोजित कर चुकी हैं, वे बेहतरीन गाती हैं। आइए उनसे सुनते हैं यह गीत, ठंडी हवा काली घटा छाने लगी, ठंडी हवा काली घटा। आसमां मंजिल नहीं है मेरी, आसमां मंजिल नहीं है मेरी, मेरी मंजिल आप हैं, आपका प्यार मिल जाए फिर क्या बात है। प्यार में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को बांधे रखना चाहते हैं। प्रेमिका अपने प्रेमी को कहती है, जाता कहाँ है दीवाने। इस खूबसूरत अंदाज में जब प्रेमिका अपने प्रेमी को रोकती है,
तो प्रेमी मना नहीं कर पाता। गीता दत्त जी ने यह गीत बहुत अच्छा गाया है और इस गीत को यहाँ पर पेश करने जा रही हैं बीना चौहान जी, जो अपनी मधुर और कोमल आवाज़ के लिए काफ़ी लोकप्रिय हैं। उन्होंने अपने गीतों से अपनी एक अच्छी खासी पहचान बनाई है। वे अनेक मंचों पर गा चुकी हैं और कार्यक्रमों का आयोजन भी कर चुकी हैं। आइए उनसे सुनते हैं, जाता कहाँ है दीवाने, जाता कहाँ है दीवाने। जैसा कि आपको पहले कार्यक्रम में बताया गया था कि गीता दत्त जी का जन्म 23 नवंबर 1930 को बांग्लादेश में मदारीपुर में हुआ था और उनका निधन 20 जुलाई 1972 को हुआ था। वे बाद में बॉम्बे जब आई तो उन्होंने अपना कैरियर बॉम्बे में चुना। उन्होंने कालांतर में सुप्रसिद्ध अभिनेता गुरुदत्त जी से शादी कर ली और शादी के कई वर्षों बाद जब गुरुदत्त जी का आकर्षण
उस समय की अभिनेत्री वहीदा रहमान की ओर हुआ, तब उनके गृहस्थी जीवन में काफ़ी परेशानी आने लगी और उन्हें अपने धोखे, दर्द, कष्टों का एहसास हुआ और वे उनसे अलग रहने लगी। गुरुदत्त जी ने बाद में शराब पीना शुरू कर दिया, शराब ने उनकी जान ले ली और इस गम में गीता दत्त जी ने भी शराब शुरू कर दी और कालांतर में जा कर के शराब ही उनके निधन का कारण बनी। उनके गीतों में प्यार, दर्द, पीड़ा सब कुछ झलकता है। हमारे अगले गीत में आप इसे देख सकते हैं। अगला गीत भी साहब बीबी और ग़ुलाम का है, न जाओ सैयां छुड़ा के बैयां। इस गीत को एक और बेहतरीन गायिका गगन जीत कौर जी पेश करने जा रही हैं। आइए उनसे सुनते हैं यह गीत, न जाओ सैयां छुड़ा के बैयां। न जाओ सैया छोड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। मर जल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम ना होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छोड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी।
कि किस्मत का अंदाज देखो, मुस्कुराकर दगा दे गई। किस्मत का अंदाज देखो, मुस्कुराकर दगा दे गई। हमारा ही दामन थाम कर वो और किसी की हो गई। हमारा ही दामन थाम कर वो और किसी की हो गई। जी हाँ, किस्मत जहाँ इंसान के जीवन में चार चांद लगा देती है, और वही किस्मत इंसान को पीड़ा और तकलीफ भी दे जाती है। गीता दत्त जी के जीवन में दोनों ही बातें थी। जहाँ उनको अपना पारिवारिक जीवन कष्ट में मिला, लेकिन जहाँ वे पैदा हुई थी वहाँ वातावरण समृद्ध था। इसलिए किस्मत का कभी कुछ कह नहीं सकते। इसलिए कहते हैं, तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना दे। यह गीत 1951 में आई फिल्म बाजी का है। इस गीत को पेश करने जा रही हैं अपने रोचक अंदाज में शीनू वार्ष्णेय जी। आइए सुनते हैं उनसे यह गीत, तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना दे। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले अपने पे भरोसा है तो एक दांव लगा ले दांव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले अपने पे भरोसा है तो एक दांव लगा ले दांव लगा ले। गीता दत्त के गीतों में सहजता, सरलता और ईमानदारी दिखाई देती है, लेकिन कुछ गीतों में बहुत सहज अल्हड़पन भी दिखाई देता है। ऐसा ही एक गीत है, ये लो मैं हारी पिया। इस गीत को उन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में गाया है। इस गीत को यहाँ पर पेश करने जा रही हैं गीतांजलि जी। वे उड़िया भाषी हैं, फिर भी हिंदी गीतों को बखूबी निभाने का पूरा प्रयास करती हैं और निभाती भी हैं। आइए उनसे सुनते हैं यह गीत, ये लो मैं हारी पिया।
जीवन में हर इंसान सपने देखता है, किसी का सपना पूरा हो जाता है, किसी का सपना पूरा नहीं होता। सपनों के बनने, बिखरने और टूटने की प्रक्रिया चलती रहती है। हमारा आज के कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दो भाई से है, जो 1947 में आई थी। इसे लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने और इसका संगीत दिया था SD बर्मन साहब ने। यह गीत यहाँ पर पेश करने जा रही हैं पूनम गुप्ता जी, जो एक बेहतरीन गायिका हैं। आइए उनसे सुनते हैं यह गीत, मेरा सुंदर सपना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। मेरा सुंदर सपना Thank you.
अभिनेता संजीव कुमार और अभिनेत्री तनुजा के अभिनय से सजी एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म आई थी अनुभव। इस फिल्म में गीता दत्त जी का गाया एक गीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, मुझे मेरी जान ना कहो मेरी जान। इस गीत को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में गीता दत्त जी ने गाया है। यहाँ पर यह गीत पेश करने जा रही हैं नीरा भार्गव जी, जो बहुत अच्छा गाती हैं। आइए सुनते हैं यह गीत, मुझे मेरी जान न कहो मेरी जान। आइए आपको एक बार फिर ले चलता हूँ फिल्म आर पार के एक और मशहूर गीत की ओर, जिसमें यह सलाह दी गई है कि प्रेम की पगडंडियाँ काफ़ी कष्टदायक होती हैं, क्योंकि उसमें तेज नहीं दौड़ना चाहिए, आप गिर सकते हैं, उस पर धीरे धीरे चलना चाहिए। जी हाँ, हमारा अगला गीत भी यही है, बाबूजी धीरे चलना। इस गीत को यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में पेश करने जा रही हैं शारदा जी, आइए सुनते हैं यह गीत, बाबूजी धीरे
चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबू जी पूरी चलना प्यार जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबू जी पूरी चलना प्यार जरा संभलना, बाबू जी मेरी जलना। क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबू जी मेरा कदम है, नजर आते हैं अपनी पराए। बाबू जी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबू जी धीरे चलना। बाबू जी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबू जी धीरे चलना। बाबू जी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। हम सभी जानते हैं कि गुरुदत्त साहब ने अपने जीवन काल में एक बहुत ही बड़ी फिल्म बनाई थी और उसमें अपना सारा पैसा भी लगा दिया था। वह फिल्म थी कागज के फूल, लेकिन दुर्भाग्य से वह फिल्म नहीं चल पाई और उसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा था। उसमें गीता दत्त जी ने गीत गाए थे। गीता दत्त जी के गीतों में से एक गीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, वक्त ने किया क्या हसी सितम। यह गीत काफ़ी दर्द भरा है, उनकी ज़िंदगी को भी बयां करता है, उनकी ज़िंदगी के कई अर्थ खोल देता है। इस गीत को उसी दर्द भरे अंदाज में यहाँ पेश कर रही हैं अनूप पल जी, जो अपने गीतों को बखूबी निभाती हैं। आइए सुनते हैं यह गीत, वक्त ने किया क्या हसी सितम। वक्त ने किया क्या हसी सितम, तुम रहे ना तुम हम रहे ना हम। वक्त ने किया क्या हसी सितम, तुम रहे thank you।
साथियों, तो यह था हमारे आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने गीता दत्त के कुछ गीतों को यहाँ पर पेश किया, जो चुनिंदा नगमे थे, और हमारे कलाकारों ने भी बेहतरीन गायकी से आप सबका मन मोहने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप हमारे कार्यक्रम से नियमित रूप से जुड़ते हैं, इसके लिए मैं अतुल नागपाल जी की ओर से, अपनी ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा अगला कार्यक्रम 20 जून को होगा, जो कि युगल गीतों पर आधारित होगा। युगल गीतों पर हम अपना एक कार्यक्रम पहले ही पेश कर चुके हैं, हमें काफ़ी संख्या में गीत प्राप्त हुए थे, इसलिए उसका पार्ट 2 जो है वो 20 जून को पेश किया जाएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।